आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की रियलिटी के बारे में। कोई कंपनी बड़ी तो बन जाती है, लेकिन उसके इनसाइड द एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट क्या है, वो चीज़ें आज मैं इसमें आपको बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती ना, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में MNC बोलते हो, ये बाहर से बहुत बड़े ब्रांड होते हैं बहुत। तो दोस्तों, जब आप इनसाइड द कंपनी जाते हो तो वहाँ पे एनवायरनमेंट आपको दूसरा देखने को मिलता है, यानी कि जो आप सोचते हो ना बाहर से, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट एकदम होता है, बिल्कुल अंदर देखने को नहीं मिलता है। इन केस अगर आप प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हो किसी दूसरे पर, मान लो ABC कंपनी है और उसने आपको हायर किया है किसी XYZ कंपनी के लिए, अगर आप प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हो तो ये मान लो कि आपकी जॉब खतरे में है, क्योंकि XYZ जो कंपनी है वो पता नहीं है वो ABC कंपनी को कब मना कर दे कि नहीं, अब मुझे आपसे सर्विस नहीं लेनी है। अब वहाँ पे हज़ारों लाखों कैंडिडेट होते हैं और हज़ारों लाखों एम्प्लॉय होते हैं ना वहाँ पे कंपनी के अंदर, तो अब उसके पास ABC कंपनी के पास इतने प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे कि सबको वो एक दूसरी जॉब दिलाएँ, एक दूसरे प्रोजेक्ट पर मूव करें। लेकिन होता क्या है, उसमें कई एम्प्लॉयज़ रिजाइन करके चले जाते हैं, कई लोगों का टर्मिनेशन हो जाता है और कई लोगों को जॉब मिल जाती है। अब पता चले आपका नंबर जॉब लगने में भी आ सकता है, आप रिजाइन भी कर सकते हो और आपका नंबर टर्मिनेशन में भी आ जाता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और कोशिश करो कि आप कंपनी के ऑन रोल एम्प्लॉय होने चाहिए, सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी पेरोल नहीं होना चाहिए, कंपनी के ऑन रोल एम्प्लॉय होने चाहिए। प्रोजेक्ट बेस काम करने पे अगर आप थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी एम्प्लॉय हो तो उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। पहले उनके जो अपने एम्प्लॉय होते हैं, जो उनके पेरोल पे एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको पहले कंसीडर किया जाता है और उनको पहले जॉब दिलाने की कोशिश की जाती है, बाद में फिर सेकेंड पार्टी, बाद में फिर थर्ड पार्टी। तो मेरे दोस्त, आप ये कोशिश करो कि जो आपकी जॉब हो वो कंपनी के ऑन रोल पे हो। और बाकी फिर मैं बात करूँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ भी थोड़ा सा खतरा होता है जॉब का, अगर आप 50-100 एम्प्लॉय हैं जिस कंपनी में वहाँ जॉब कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट टर्मिनेशन मिलता है। अगर कंपनी लॉसेस में हो गई, कुछ भी हो गई, तो वहाँ पे एम्प्लॉय निकालना शुरू कर देते हैं। बट हाँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं अगर आपको बताऊँगा तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो आपका जो MD है उसको भी पता चल रहा है कि बंदा काम कितना कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो आपको हाइक में ज़्यादा होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल उन्हें 3 करोड़ का अगर बेनिफिट हो गया ना, तो 100% आपको वो हाइक दे देंगे सैलरी में। लेकिन अगर MNC कंपनी में 10 करोड़ का भी बेनिफिट हो गया, आपको एक साल के पहले हाइक नहीं मिल रहा, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में अगर 3 करोड़ का बेनिफिट हो गया तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ में हाइक दे देंगे। लेकिन MNC में ये नहीं है, आपको हाइक मिलेगा वही 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। अरे कई MNC कंपनी ऐसी हैं जो मतलब सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी पे लेके क्लियरली मेंशन होता है ऑफर लेटर पे कि आपको 12 महीने में 18 महीने में ऑन रोल मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप अंदर चले जाते हो, 2-2 साल, 3-3 साल, 4 साल, 5-5 साल हो जाता है, कंपनी का ऑन रोल नहीं मिलता, वो नहीं देते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ट्राई करो कि कंपनी के ऑन रोल पे जॉब करो। और बाकी अगर मैं इन सबको मिला के टोटली बात करूँ तो एक प्राइवेट जॉब तो हमेशा रिस्की होती है, क्योंकि कोई पता नहीं कब जॉब चली जाए, कब ना चली जाए, कब क्या प्रॉब्लम आ जाए, तो एक रिस्की जॉब होती है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आपके पास एक कुछ सेकेंडरी इनकम प्लान होना ही चाहिए, वो जब भले ही 5 से 10 हज़ार हो, 10 से 15 हज़ार हो, 15 से 20 हज़ार हो, लेकिन आपके पास एक सेकेंडरी इनकम प्लान होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आपके पास एक सेकेंडरी इनकम होना चाहिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली होना चाहिए। आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप अपना ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं यार जो मतलब 20-25-30 हज़ार से स्टार्ट किए जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं। और मैं ये अपना प्रैक्टिकल और एक लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो किए जा सकते हैं। एक लाइफ मिली है, जितना ज़्यादा चाहो उतना ज़्यादा कर सको, और अपनी फैमिली को टाइम दो, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो, एक दिन वीक में या 2 दिन वीक में, बिल्कुल ये सोचो कि नहीं मुझे फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना है, उस दिन कुछ काम नहीं। हाँ, ये नहीं कि एकदम छोड़ ही दो, नहीं लैपटॉप मोबाइल सब छोड़ कर रख दिया मैं फैमिली के साथ ही अब रहूँगा, ये भी नहीं। 1-2 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे काम करो, बाकी फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये भी ज़रूरी है। तो हो सकता है दोस्तों एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा थोड़ा सा बिजनेस प्लान के बारे में, अगर
आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली उस पर, तो मैं थोड़ा सा बताऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, इस पर रियलिटी बेस पे वीडियोस बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।